श्री राम राजा की राजकीय नगरी ओरछा में 6 अक्टूबर से किया जा रहा है भव्य अंतर्राष्ट्रीय रामलीला का आयोजन। 6 अक्टूबर से रात 10 बजे इसका आयोजन किया जाएगा। रामलीला संचालक मंडल ने इस आयोजन की पूरी तैयारी कर ली है। इस अंतर्राष्ट्रीय रामलीला का आयोजन 140 देशों में लाइव प्रसारण किया जाएगा। सभी भक्त लोग इसका प्रसारण भारत में DTH के संस्कार टीवी चैनल पर देख सकते हैं रोज रात 10 बजे से देखते हैं। आपको बता दें कि पिछली बार यह रामलीला अयोध्या में की गई थी, जिसको करीब 14 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने संचार के विभिन्न माध्यम से विश्व के कोने कोने से देखा था। अयोध्या बार ओरछा में भगवान श्री राम का वास है, इसी वजह से इस साल यह कार्यक्रम ओरछा में किया जा रहा है। इस रामलीला का मंचन भारत के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा किया जाएगा। एजुकेशन ट्रस्ट के प्रमुख BP टंडन द्वारा बताया गया है कि इस रामलीला का मंचन 6 अक्टूबर से प्रारंभ होगा और 15 अक्टूबर को इसका विधिवत समापन होगा। उन्होंने बताया कि इस बार रामलीला का प्रसारण ऑनलाइन विश्व के 140 देशों में लाइव प्रसारण किया जाएगा, जिससे बुंदेलखंड के ओरछा के रामराजा सरकार की महिमा पूरे क्षेत्र में फैल सके। अगर आप इसका लाइव प्रसारण देखना चाहते हैं तो फ्री चैनल संस्कार पर आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि पिछली बार यह रामलीला अयोध्या में की गई थी, जिसको करीब 14 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने संचार के विभिन्न माध्यम से विश्व के कोने कोने से देखा था। अयोध्या बार ओरछा में भगवान श्री राम का वास है, इसी वजह से इस साल यह कार्यक्रम ओरछा में किया जा रहा है। इस रामलीला का मंचन भारत के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा किया जाएगा। एजुकेशन ट्रस्ट के प्रमुख BP टंडन द्वारा बताया गया है कि इस रामलीला का मंचन 6 अक्टूबर से प्रारंभ होगा और 15 अक्टूबर को इसका विधिवत समापन होगा। उन्होंने बताया कि इस बार रामलीला का प्रसारण ऑनलाइन विश्व के 140 देशों में लाइव प्रसारण किया जाएगा, जिससे बुंदेलखंड के ओरछा के रामराजा सरकार की महिमा पूरे क्षेत्र में फैल सके। अगर आप इसका लाइव प्रसारण देखना चाहते हैं तो फ्री चैनल संस्कार पर आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि पिछली बार यह रामलीला अयोध्या में की गई थी, जिसको करीब 14 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने संचार के विभिन्न माध्यम से विश्व के कोने कोने से देखा था। अयोध्या बार ओरछा में भगवान श्री राम का वास है, इसी वजह से इस साल यह कार्यक्रम ओरछा में किया जा रहा है। इस रामलीला का मंचन भारत के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा किया जाएगा। एजुकेशन ट्रस्ट के प्रमुख BP टंडन द्वारा बताया गया है कि इस रामलीला का मंचन 6 अक्टूबर से प्रारंभ होगा और 15 अक्टूबर को इसका विधिवत समापन होगा। उन्होंने बताया कि इस बार रामलीला का प्रसारण ऑनलाइन विश्व के 140 देशों में लाइव प्रसारण किया जाएगा, जिससे बुंदेलखंड के ओरछा के रामराजा सरकार की महिमा पूरे क्षेत्र में फैल सके। अगर आप इसका लाइव प्रसारण